और गाइस क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना। चलो फिर स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज अपना GoPro का सेटअप पूरा होने वाला है। अभी तक मैं फ़िलहाल GoPro ना वेट मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अभी तक मैं फ़िलहाल GoPro सिर्फ मैंने लिया ही इसलिए था कि बिना माइक वगैरह के बारिश में हर टाइम पे इसको शूट कर सकें। तो ये कुछ ऐसे मैं सिर्फ GoPro बिना माइक के बिना किसी चीज़ के शूट करता हूँ। बट आज अपन इसको अपग्रेड करेंगे एंड मैं आपको बताने वाला हूँ GoPro का बेस्ट मोटो व्लॉग सेटअप एंड बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए वहाँ अपनी माया खड़ी है, जाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये रहे अपने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बॉक्सेस। तीन बॉक्स आए, तीनों चीज़ बताता हूँ क्या है। इसे मैं हेलमेट पे लगाता हूँ और अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो आप लोग समझेंगे एकदम मस्त में। बहुत एक्साइटेड हो जाता है यार मैं जब भी कुछ अपनी चीज़ आती है ना ब्लॉगिंग रिलेटेड, मज़ा आ जाता है मेरे को। ओके गाइस, तो अपन ने मंगाया ये बोया का माइक। ये मेरे पास एक्चुअली पहले से था बट ये मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है तो मैंने एक और मंगा लिया। बोया का माइक वैसे बहुत फेमस है, ये BY-M1 रिकॉर्डिंग के लिए लेवलियर माइक है। बॉक्स के अंदर मैंने एक्चुअली पहले से खोल लिया है तो ये एक इसी के अंदर बैटरी भी आई थी, ये एक क्लिप है जिससे अपन कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, और ये एक एम्पलीफायर के लिए है कनेक्टर, उसे साइड में रखते हैं। बैटरी आई थी वो मैंने ऑलरेडी माइक के अंदर डाल दिया है, जस्ट आपको देखने को मिल जाए। ये है माइक अपना, इसके अंदर जाती है बैटरी जो कि इसके अंदर जा चुकी है। काफ़ी लंबा वायर है लेकिन मोटो ब्लॉक के लिए ना एक ऐसा मेरे को माइक्रोफोन चाहिए था जो GoPro में चले, क्योंकि मैंने काफ़ी रिव्यू देखे यार कोई माइक चलते हैं कोई नहीं चलते, तो उससे अच्छा मैंने ये मंगा लिया, ये अपने को दो तीन चीज़ों में काम आ जाएगा। देन भाई सेकंड चीज़ है ये GoPro का 3.5mm माइक अडैप्टर। GoPro ने ऐसा चीज़ किया है ना कि GoPro में आप कोई भी माइक नहीं लगा सकते जब तक आप ये अडैप्टर यूज़ ना करें, तो ये रहा इसका अडैप्टर। और पता नहीं इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो ये इतना महंगा है, लगभग 4000 रुपये का आता ही है। जब लॉन्च हुआ था तब तो काफ़ी महंगा था, अब तो इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, नहीं तो लोगों ने पहले ब्लैक में 6000 रुपये में भी ख़रीदा है। तो ये कुछ ऐसा माइक है कि ये GoPro में लगता है इस साइड से, और इस साइड से चार्जिंग और माइक का आपको पॉइंट मिल जाता है। ये सब मैं आपको सेटअप करके बताऊंगा, पहले बस अनबॉक्सिंग फटाफट कर रहा हूँ। और ये एक मैंने मंगाया है यूलानजी का केस, ये कुछ पड़ा 1000 रुपये में। एंड इसमें क्या है ना कि GoPro का भी जो नॉर्मल केस है उसमें माइक लटकाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा इसमें अपन GoPro डालेंगे और इधर पे अपन माइक रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लास्टिक का है। तो चलो फटाफट मैं सेटअप करता हूँ एंड फिर आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ अपना व्लॉगिंग सेटअप, व्लॉगिंग अगर अपन को करना है तो अपन कौन सा माइक यूज़ कर सकते हैं और कैसा लगेगा सेटअप, पहले वो बताता हूँ। सो मैंने कर लिया है मोबाइल पे शिफ्ट ताकि आपको GoPro में बता सकूँ और सेटअप बता सकूँ, और यही मैं बस समझाना चाह रहा था कि GoPro सबसे बेस्ट कैमरा है इस वक्त अगर आपको व्लॉगिंग करना है तो। बिकॉज अभी देखिए मेरे पास DSLR है बट मैं DSLR लेके इसलिए नहीं निकला क्योंकि कितने बादल छाए हुए हैं और फोकट का अपना DSLR ख़राब होता, तो GoPro से अपन शूट भी कर सकते हैं बारिश में भी, नॉर्मल में भी, व्लॉगिंग में भी, एवरीथिंग। अगर आप देखेंगे तो ये जो केस है अगर इसमें मैं अपना माइक अडैप्टर लगाऊंगा यहाँ पे तो ये लटकते रहेगा, इसलिए मैंने ये केस मंगाया है। तो मैं फटाफट आपको सेटअप करके बताता हूँ पहले। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ अपना व्लॉगिंग के लिए सेटअप। तो ये हो गया अपना केस जिसमें जाएगा अपना GoPro अंदर, माइक अडैप्टर अंदर, और ये रहा माइक व्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मोटो व्लॉगिंग नहीं नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए। ये सेटअप करता हूँ फटाफट क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं अभी बंदा पकड़ने के लिए, तो मैं ये अंदर डालता हूँ और सेटअप करके आपको बताता हूँ। तो अगर GoPro में माइक यूज़ करना है ना तो ये वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है क्योंकि यहाँ का ये जो कवर है ये अपने को निकालना पड़ता है साइड से, तो अब ये वाटरप्रूफ नहीं रहा है। अगर आपको इसमें इसको पानी में यूज़ करना है तो आपको बिना माइक के यूज़ करना पड़ेगा, ये लग जाएगा और ये लगने के बाद वाटरप्रूफ। ये मैंने डाल दिया है माइक यहाँ नीचे, माइक अडैप्टर ऊपर जाएगा GoPro, और ये यहाँ से GoPro का दरवाज़ा बंद, और ये ऊपर लगेगा अपना माइक एंड सेटअप रेडी। नीचे लगेगा ट्राइपॉड, अभी ट्राइपॉड मेरे पास लाया नहीं हूँ, बहुत बड़ा वाला है बट आप समझ लो। तो गाइज अभी मैंने अपना माइक लगा दिया है माइक अडैप्टर के साथ GoPro में, लेकिन मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया है, तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये GoPro की ओरिजिनल इनबिल्ट आवाज़ है। अब मैं इसमें लगाऊंगा, माइक कनेक्ट करूंगा एंड देन देखते हैं कुछ आवाज़ में फ़र्क पड़ता है क्या। तो गाइज अब मैंने लगा दिया इसके अंदर माइक एंड मुझे बताना कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। मैंने सेटअप बताता हूँ आपको, तो कुछ ऐसा है अपना व्लॉगिंग सेटअप GoPro से। नीचे ऑफकोर्स ट्राईपॉड आ जाएगा, ट्राईपॉड मैंने नहीं लगाया है, बट ये ऊपर है अपना बोया का BY-MM1 माइक, नीचे है यूलानजी का केज, उसमें माइक अडैप्टर एंड GoPro,
और कुछ इस तरह से दिखता है। बताना अगर ऑडियो में कुछ दिक्कत है या अगर ऑडियो बराबर है तो। आई एम श्योर माइक लगाए तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ होगा ऑडियो। कितना मस्त लगता है यार। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इस सेटअप के बारे में कि अभी मैंने किया है ये लीनियर मोड पे शूट। अगर मैं वाइड पे करता हूँ तो भी चलता है, बट जैसे ही सुपर व्यू कर रहा हूँ ना तो ये ऊपर इसके जो बाल हैं डेड कैट, उसके बाल बीच में आ रहे हैं लेंस के, तो या तो आप निकाल के। वैसे सुपर व्यू में कोई ऐसा फेस व्लॉगिंग करता नहीं है नॉर्मली, तो लीनियर और वाइड पे परफेक्ट है। अब चलो फटाफट मोटो व्लॉग सेटअप करता हूँ एंड मोटो व्लॉग करते हैं। मैं एक्साइटेड मोटो व्लॉग के लिए हूँ। सो गाइज ये रहा अपना मोटो व्लॉगिंग का सेटअप। ऊपर केज तो यूलांजी का ही रहेगा जैसा है, उसके नीचे माइक अडेप्टर लग गया है यहाँ साइड से, एंड ये रहा अपना माइक। इससे मुझे एडजस्ट करना है अपने हेलमेट के अंदर। अभी ये हेलमेट पे मैं कहाँ एडजस्ट करूँगा, कैसे एडजस्ट करूँगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सस्ता वाला हेलमेट है, 1000 रुपये वाला, तो ये खुलता नहीं है कुछ नहीं, बट कुछ एडजस्ट करते हैं। एंड आपको मैं सुनाता हूँ बिना माइक के, तो आपने मेरे सारे वीडियो में सुना होगा गोप्रो की आवाज़, बट आज कंपेयर कर रहे हैं इसलिए एक आवाज़ बिना माइक के और एक माइक के साथ आप लोगों को कंपैरिजन मिलेगा। ऑलराइट गाइस, सो कुछ इस तरह से किया है मैंने अपना सेटअप। अभी टेम्पररी है, इस पे बिल्कुल ना जाइए, ये तार ऐसे लटक रहा है बिल्कुल नहीं। इसको आराम से अच्छे से मैं सेट करूँगा, बट अभी फिलहाल के लिए ये है कुछ सेटअप, ऐसा दिखेगा अपना। ये यहाँ पे लगा हुआ है माइक, यहाँ पे है अडैप्टर, एंड अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ बिना माइक के कैसे साउंड करेगा, एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि विद माइक कैसे साउंड करेगा मोटो व्लॉग में। मैंने ये इसलिए चेंज किया क्योंकि 20 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा मैं चलाता था तो आवाज़ फटने लगता था। अब आई होप ये ना हो। ऑलराइट गाइस, सो अभी जो आपको ऑडियो आ रही है ये ऑडियो है बिना माइक के। तो ये मैंने पिछले सितंबर में लिया था ये GoPro बारिश में यूज़ करने के लिए, एंड पूरा एक साल मैंने इसे बिना माइक के यूज़ किया है। एंड अभी आप जैसे देखेंगे कि 15-20 की स्पीड में ऑडियो अच्छी आती है, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाऊंगा ना मैं, वैसे ही GoPro का जो इनबिल्ड माइक का ऑडियो है वो बहुत ही बेकार हो जाता है, एंड हवा भी काफ़ी लगने लगती है। बस इसलिए मैंने माइक लिया, एंड ये अभी बिना माइक के अपन टेस्टिंग कर रहे हैं। एरिया में ही हूँ मैं, कहीं बाहर जा नहीं रहा हूँ। अब इसके बाद मैं चेंज करता हूँ और माइक लगाता हूँ, एंड माइक के साथ देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। ओके, सो अब माइक लग चुका है एंड माइक मेरे चीक के पास है। आई डोंट नो आवाज़ कैसी आती होगी, एक बार आगे कहीं रुक के देखूँगा माइक, अगर अच्छे से सेटअप नहीं है तो माइक को अच्छे से सेटअप करूँगा। मैंने विंडशील्ड भी बंद कर दिया है, तो अब बताओ विंडशील्ड बंद करने के बाद कैसी आवाज़ आई। एक बार रुक के देखूँगा विथ माइक अच्छी आवाज़ आ रही है कि नहीं। फ़िलहाल मैं अपने एरिया में ही घूम रहा हूँ, ये गोकुलधाम एरिया है। गोकुलधाम मतलब रोड के उस साइड, रोड के इस साइड मलाड़ पड़ता है, बट या इन अ वे वी कॉल इट गोकुलधाम ओनली। चलो रोड पे जाते हैं विथ माइक, एंड एक बार मैं माइक देख लेता हूँ यार अच्छे से प्लेस्ड है कि नहीं, क्योंकि मैंने बारिश आ रही है ना तो मैं डर गया, क्योंकि अभी अपना GoPro वाटरप्रूफ नहीं है। ये देखिए होल है इसमें। ऑलराइट, सो अब मैंने माइक अपने थोड़ा फेस के पास लाया है, बट साइड में ही है, एकदम सामने नहीं रखा है, साइड में ही है, तो आई होप आवाज़ अच्छी आती होगी। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि अब मैं थोड़ा स्पीड में भी अपनी स्कूटी चला सकता हूँ, एंड आई होप आवाज़ अच्छी आएगी। अगर नहीं आएगी तो कुछ जुगाड़ करेंगे, बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आवाज़ अच्छी आनी ही चाहिए। अब अपन आ गए रोड पे, चलो फिर। गाइस आवाज़ कैसी आ रही है, पहली बार मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस एकदम है कि मैं 40-50 पे भी चलाऊंगा ना तो आवाज़ अच्छी आती होगी। ओह माय गॉड, एंड इट इज़ रेनिंग हियर एंड मैं अब कहीं रुक रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। आई होप आप लोगों को टेस्ट मिल गया होगा ऑडियो का, एंड मेरा GoPro बर्बाद हो, 35,000 का सेटअप बर्बाद हो, उससे अच्छा मैं इसे अब बंद करूँगा कहीं साइड में रोक के। चलो सीधे ही जाते हैं और साइड में रोकते हैं। रोको, चलो इधर ही रोकता हूँ एंड बंद करते हैं। तो अब अपना GoPro हो चुका है पूरा वाटरप्रूफ, क्योंकि इसका केसिंग वेसिंग निकाल के मैंने डिक्की में डाल दिए गाड़ी के, और इसका पूरा मतलब पूरा पैक्ड है। अब बारिश में कुछ नहीं होगा, मुंबई की बारिश में मज़ा कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिसको लगता है व्लॉगिंग इज़ वेरी इजी, इट्स नेवर, व्लॉगिंग इजी नहीं है। अभी मैंने क्या किया है पता है, मैंने चाबी निकाली, डिक्की खोली, डिक्की के अंदर सब सामान डाला और साथ में चाबी भी डाल दी, तो अब गाड़ी खड़ी है
मैंने घर पे कॉल किया है, अमन लेके आएगा दूसरी चाबी, तो उससे गाड़ी स्टार्ट करेंगे। मैं चाबी डिक्की में ही भूल गया और डिक्की बंद कर दिया, और अभी बहुत बारिश हो रही है। एनीवेज अमन आएगा, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा घर पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन है ये चीज़ों के बारे में, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, तो कमेंट में छोड़ दिया करो। आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो शॉर्ट बाय अमित, वहाँ पर मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। प्यार बनाए रखिए। ओके गाइस, तो अपन ने मंगाया माइक। ये माइक मेरे पास एक्चुअली था पहले से, बट